नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। प्रवासी मजदूर एवं छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद नालंदा में तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना पहुंचने वाली बिहार की पहली ट्रेन से नालंदा के सैकड़ों मजदूर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए नालंदा से 3 बस पटना के लिए भेजा गया है। बिहार शरीफ के गोलापुर स्थित हवाई अड्डा में वाहन कोषांग बनाया गया है, जहां सभी प्रवासी मजदूरों को नालंदा से पहली एंट्री कराई जाएगी। यहां सभी मजदूरों को रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग कराया जाएगा। यहां से सभी मजदूरों को अपने अपने क्षेत्रों में भेजने का भी काम किया जाएगा। मजदूरों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाइन और आइसोलेशन में भेजा जाएगा। प्रवासी मजदूरों को यहां आने के बाद प्रशासन की ओर से खाना पीना भी खिलाया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। विभाग के द्वारा आने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बिहार के विभिन्न बॉर्डर एरिया जैसे कैमूर, गोपालगंज, नवादा, पटना क्षेत्र से लाने के लिए बस भेजा जाएगा। परिवहन विभाग के अभी तो हम विभिन्न स्रोतों से पैसेंजर्स आ रहे हैं, कुछ लोग कैमूर बॉर्डर से भी आ रहे हैं बस के माध्यम से, और उस जिले से यहाँ पर हम लोगों को पहुँचाया जा रहा है, सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है। उसके बाद गोपालगंज बॉर्डर से भी आ रहे हैं, नवादा बॉर्डर से भी आ रहे हैं, विभिन्न स्रोतों से वैसे आ रहे हैं, और ट्रेन से भी बहुत सारे पैसेंजर को, जैसे कोटा से छात्र आ रहे हैं, कुछ प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने बस को भेजा है पटना के लिए, 3 बस को भेजा है, 3 बस उसके बाद एस्कॉर्ट टीम मजिस्ट्रेट लगा के साथ में भेजा है। और जैसे यहाँ पर आएंगे हम लोग वाहन कोषांग में, उनको हम लोग प्रखंड वाले सेग्रीगेट करके प्रखंडों में भेज देंगे। प्रखंड में उनको फिर वहाँ पर उनका स्क्रीनिंग होगा, और वहाँ पर हेल्थ क्वारंटाइन और अलग आपदा क्वारंटाइन बना हुआ है, वहाँ पर उनका क्वारंटाइन हो गया। सरकार से कितने बसेस की डिमांड की गई नालंदा से? नहीं, नालंदा से 3 बस का मांग किया गया था अभी तत्काल, तो प्रतिदिन आएगा, और आज के लिए 3 गया था, 3 भेज दिया गया है मजिस्ट्रेट के साथ। जैसे जैसे डिमांड होगा हम लोग भेजेंगे। तत्काल में हम लोग 25 गाड़ी का व्यवस्था किए हैं, छोटी बड़ी मिलाकर, और गाड़ी हम लोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा हम लोग गाड़ी बढ़ाते जाएंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।